सभी का एबीसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। इजराइल और हमास की हो रही जंग से हर कोई रूबरू है और इस जंग को शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब ईरान भी इजराइल और हमास की जंग में शामिल हो चुका है और ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। क्या है वो चेतावनी, आपको बताते हैं। इजराइल और हमास की जंग ने विकराल रूप ले लिया है। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली है। फिलिस्तीन को दिए 24 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद दर्जनों टैंक के साथ सेना ने शहर को घेर लिया है और इलाके से 11 लाख आबादी को घर छोड़ने पर मजबूर किया है, जिससे अरब मुस्लिम देशों में हलचल बढ़ गई है। मिस्र से लेकर सऊदी अरब तक में गांजा के भविष्य पर चर्चा चल रही है और इसी बीच ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और यूनाइटेड नेशन के जरिए अमेरिका को साफ संदेश भेज रहा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसती है तो वो इसे कब्जे वाले इलाके को सैनिकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियन अरब देशों के टूर पर थे, जिसके दौरान उन्होंने हमास के नेता से भी मुलाकात की और पूरी मदद करने का उन्हें भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्राउंड अटैक होता है तो गांजा में और टेंशन बढ़ेगी और ये संभावना है कि अन्य मोर्चे पर भी जंग शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गांजा में घुसने की कोशिश करती है तो बचाव दल इसे कब्रिस्तान में बदल दे। अरब देशों को एकजुट करने में लगा ईरान। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को उत्तर से घेरा हुआ है और उनकी दलील यह है कि टनल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और इसलिए उन्हें ग्राउंड अटैक की जरूरत है, जिसके कारण वो रविवार से शहर के बाहर घात लगाकर बैठे हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक नामन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के साथ गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी में है और ये टैंक की तरह होता है लेकिन इसमें भारी मशीन गन लगे होते हैं जो एंटी टैंक मिसाइल तक ध्वस्त कर सकते हैं, जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के बीच बातचीत के बाद इराक, लेबनान और सीरिया का दौरा किया और इसके बाद कतर पहुंचकर अमीर शेख तमीम बिन हमद उल थानी से भी इस मामले को लेकर मुलाकात की, जो लगातार इजराइल को हमास हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं ईरान ने 57 मुस्लिम देशों के अर्जेंट मीटिंग भी बुलाने की अपील की है ताकि गाजा के भविष्य पर चर्चा हो सके, क्योंकि अरब मुल्कों में इजराइल के इस कदम को लेकर बेहद ही नाराजगी है और वो एग्जिट होने की राह पर है। इजराइल के साथ अमेरिका जहां एक तरफ अरब देश इजराइल के खिलाफ है तो अमेरिका इसके साथ शुरुआत से ही खड़ा है और पूरी मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सेना के संभावित ग्राउंड अटैक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की भूल होगी लेकिन हमास का खात्मा जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल में उसके 29 नागरिकों की मौत हुई है और एक वैध स्थायी निवासी का अभी भी पता नहीं चल सका है। और इन सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अब अरब मुल्कों के दौरे पर थे और सऊदी अरब भी गए, जो पिछले कुछ महीनों से इजराइल के साथ शांति समझौते पर राजी था। इनके अलावा रविवार को ही इजराइल के समर्थक मिस्र ने अरब देशों का एक सम्मेलन बुलाया है जहां फिलिस्तीन विवाद और गाजा संकट पर बात होगी और इस सम्मेलन में इजरायली के समर्थक यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन और बहरीन भी शामिल होने की उम्मीद है।
फिलहाल हमारी आज की पेशकश में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए एबीसी न्यूज़।